25 सदस्य यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे ये पेट्रियाटिक वार्ड का उद्घाटन करेंगे ढोल नगाड़ों के साथ। झारखंड की जो उत्साह है उसके साथ मंत्री का स्वागत किया जा रहा है। मंत्री महोदय आगे बढ़ रहे हैं। ये रांची का अस्पताल है जहाँ पर मंत्री बन्ना गुप्ता आज सदर अस्पताल में पेट्रियाटिक वार्ड में ICU और HCU का उद्घाटन करेंगे। बच्चों के लिए यह उद्घाटन होना है और तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए यह किया जा रहा है। सदर अस्पताल पहुंचे हैं जहां पे पेडियाट्रिक वार्ड में ICU और HDU का उद्घाटन होना है। मंत्री खुद आज स्वास्थ्य मंत्री जो उद्घाटन करेंगे और तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सभी अस्पतालों में बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों पर प्रभाव रहेगा और इसी को देखते हुए सभी अस्पतालों में काफ़ी दिनों से तैयारियां हो रही हैं। लगभग महीने भर के तैयारियों के बीच आज सदर अस्पताल में पेडियाट्रिक वार्ड में ICU का भी उद्घाटन होना है। ICU यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट और साथ में HDU, ये सभी वेंटिलेशन युक्त बेड हैं। आराम से ये सभी वेंटिलेटर युक्त वार्ड हैं जिसमें बच्चों के लिए ICU का उद्घाटन किया जाएगा। PICU अर्थात पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि ICU और HDU इसका उद्घाटन किया जाना है जिसमें बच्चों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आप देख रहे हैं ये सदर अस्पताल का कैंपस है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में मंत्री बन्ना गुप्ता और सदर अस्पताल के अधिकारीगण हैं जो पेडियाट्रिक वार्ड में आ रहे हैं और आज इस वार्ड में उद्घाटन होना है ICU का और HDU का। कुल 51 बेड हैं, 51 ICU और HDU को मिलाकर 51 बेड हैं जिसमें 27 बेड जो हैं वो ICU के हैं और बाकी 21 के आसपास का बेड तीसरी लहर का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिला है की आशंका जताई जा रही है। हम दो लहरों में लगातार देख चुके हैं कि बहुत बड़ी कैजुअल्टीज़ देखने को मिली हैं। ऐसे में हमें से हर किसी का जनजीवन जो है प्रभावित हुआ है। दो लहरों के बीच तैयारियां बहुत बेहतर नहीं रह सकी जिसका खामियाजा हमें से हर किसी को भुगतना पड़ा है। लाखों लोगों को प्रभावित किया है दूसरी लहर ने और कई लोगों की जान भी गई है। ऐसे में यह कोशिश है कि अब जब रिसर्च के माध्यम से तीसरी लहर की बात आ रही है और कहा जा रहा है कि तीसरी लहर संभावित ही नहीं बल्कि निश्चित है, ज़रूर आएगी, जिसका प्रभाव बच्चों पर देखने को मिलेगा। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि पहले से तैयारियां की जाए और इस संबंध में सदर अस्पताल में यह बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है कि वक्त रहते ही यह ध्यान दिया गया और अब यहाँ से उद्घाटन प्रक्रिया शुरू होगी। मंत्री बन्ना गुप्ता भी हैं, तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित होगा और जिसके बाद उद्घाटन किया जाएगा। आप देख रहे हैं मंत्री बन्ना गुप्ता को, मंत्री जी दीप प्रज्वलित करने के लिए जा रहे हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता दीप प्रज्वलित कर रहे हैं पेडियाट्रिक वार्ड सदर अस्पताल का।
ये रांची राजधानी का सदर अस्पताल का पेडियाट्रिक वार्ड है, जहां आईसीयू का उद्घाटन होना है और आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं मंत्री बन्ना गुप्ता को दीप प्रज्वलित करते हुए। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं बता दूं थोड़ा डिटेल की किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इस वक्त जो विधि है उस हिसाब से किया जा रहा है। देखिए, इसमें 27 बेड जो हैं वो PICU यानी कि पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है और 24 बेड जो हैं वो HDU के हैं, जिसका उद्घाटन मंत्री बन्ना गुप्ता कर रहे हैं। तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सदर अस्पताल में बच्चों के लिए यह पेडियाट्रिक ICU और HDU का निर्माण किया जा रहा है। एक सप्ताह पहले ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई थी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार PICU और HDU में वेंटिलेटर, BiPAP, HFNC और बबल CPAP की व्यवस्था है। ये तमाम वो प्रकरण है या वो उपकरण है जिसकी ज़रूरत कोरोना पॉजिटिव बच्चों को संभावित रूप से पड़ सकती है। सप्ताह भर के भीतर ही PS प्लांट का भी उद्घाटन किया जाएगा। PS प्लांट का भी उद्घाटन जल्द होने वाला है, सूचनाएं मिल रही हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ICU वार्ड के उद्घाटन के लिए जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। मंत्री बन्ना गुप्ता अपने हाथ में फूल लेकर जो प्रक्रिया उसे पूरी कर रहे हैं, इसके बाद उद्घाटन किया जाएगा। यह कदम निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि तमाम रिसर्चर्स ने दावा किया है कि थर्ड वेव का आना निश्चित है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम तैयारियां पूरी करके रखें। और प्रशासन का या कहीं के स्वास्थ्य विभाग का यह कदम जो प्री प्लान है वो बेहतर है। और इसी तरह से राज्य भर के सभी अस्पतालों को बच्चों के हिसाब से ICU में तब्दील किया जा रहा है। यह कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में जब थर्ड वेव हिट करेगा इस देश में, इस राज्य में, तो हम तैयार रहें और सेकेंड वेव में जो कैजुअल्टीज़ देखने को मिली है उस तरह की स्थितियाँ ना पैदा हो, लोग पैनिक ना हो। और इन तमाम प्रयासों के बीच यह आज का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां आप स्वास्थ्य विभाग के आला कमान यानी कि मंत्री बन्ना गुप्ता को देख रहे हैं, जो पहुंचे हैं सदर अस्पताल में। को बच्चों के हिसाब से थर्ड वेव की जो तैयारियां की जा रही है, सदर अस्पताल को केंद्र माना गया है और इसी केंद्र में पहले भी कई कार्य हुए हैं बच्चों के लिए, पहले ही वार्ड बनाए गए हैं। हालाँकि ICU वार्ड पेडियाट्रिक में एक नए वार्ड की ज़रूरत थी, जिसे आज पूरा किया गया। 27 ICU बेड और 24 HDU बेड, इस तरह से कुल 51 बेड हैं, 51 बेड हैं जो कि। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि बन्ना गुप्ता दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और इसी के साथ यह उद्घाटन हो रहा है। अब बन्ना गुप्ता नारियल फोड़ने के लिए नारियल फोड़ने के साथ ही नारियल की घूम के साथ और अब बन्ना गुप्ता यहाँ पर अपना फीता काट कर इस पेडियाट्रिक वार्ड का उद्घाटन किया जाएगा और आपको हम लाइव दिखाएंगे इस पेडियाट्रिक वार्ड में क्या कुछ है, यह भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से पेडियाट्रिक वार्ड का जो पूरा स्वरूप है वो किस तरह से बच्चों के लिए बनाएंगे, क्या खास है, यह देखना बहुत जरूरी होगा। बन्ना गुप्ता और अपने हाथों में
कैंची लेकर और इस तरह से उद्घाटन करते हैं, फीता काटते पा रहे हैं। और इस तरह से आज इस वक्त इसी क्षण पेट्रियार्टिक वार्ड का शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ। और अब ये तमाम और अधिकारी आ रहे हैं, पेट्रियार्टिक वार्ड में एंटर कर रहे हैं। और अब आपको हम साथ साथ पेट्रियार्टिक वार्ड का भ्रमण कराएंगे। आप देखें चारों तरफ ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो बच्चों के लिए पेंटिंग्स बनाए गए हैं। और इस तरह से फिलहाल तो गुब्बारे लगे हुए हैं। ये पूरा का पूरा वार्ड जो है बच्चों को केंद्रित है और बच्चों के लिए जिस तरह से प्रयास किया गया है कि बच्चों के लिए कहीं पेंटिंग्स और तमाम इस तरह की चीज़ों का, आपको हम वार्ड की तरफ ले आते हैं, बेड की तरफ ले आते हैं जहाँ बच्चों का इलाज होगा। आप देख रहे हैं मंत्री बन्ना गुप्ता को, नीचे की तरफ आप देखेंगे कि बेड जो है वो बेड पर भी पोस्टर्स बने हुए हैं बच्चों के लिए। और अब हम आपसे आपको सुनवाते हैं कि मंत्री बन्ना गुप्ता क्या कहते हैं। वार्ड बिल्कुल बच्चों को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। अभी से कुछ देर पहले ही मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस वार्ड का उद्घाटन किया है। वार्ड का भ्रमण भी किया मंत्री जी ने। और एक बार मंत्री जी की बाइट के बाद आपको हम फिर से ये पूरा वार्ड भ्रमण कराएंगे, दिखाएंगे। ठीक है बस, ठीक है। एक बार आपको हम इस पूरे वार्ड का भ्रमण करवाते हैं जो वार्ड बच्चों के लिए बनाए गए हैं, और थर्ड वेव को देखते हुए जो तैयारियां किस तरह की गई थी वो हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे हम एंटर करेंगे इस पेडियाट्रिक वार्ड में, आपको शुरू से ही यहीं से आपको आप ऊपर की तरफ देखेंगे कि बच्चों के लिए बहुत अच्छे पेंटिंग बनाए गए हैं। कहीं कुंग फू पांडा है, कहीं जो तमाम कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और इस तरह से पूरे वार्ड को बच्चों के हिसाब से तैयार किया गया। नीचे आपको देखेंगे कि गमलों में प्लांट्स लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। और ये पूरा प्रयास किया गया है कि इस वार्ड को बच्चों के अनुकूल बनाया जाए, ताकि जब अगर थर्ड वेव की जिसकी आशंकाएं जताई जा रही हैं उस दौरान जब लोग यहाँ एडमिट हो तो कम से कम उस उन्हें किस तरह की ज़रूरतें होती हैं या बच्चों को अस्पताल की फीलिंग ना आए, उन्हें लगे कि वो कहीं खेलने या प्ले स्कूल का पूरा उन्हें लुक दिया गया है। आप देखिए इस जगह जो है आप देख रहे हैं कि ये जैसे हम एंटर करेंगे घास आर्टिफिशियल ग्रास यहाँ लगाया गया है, बच्चों को खेलने के लिए पूरी जगह है और टॉयज रखे हुए हैं, सरकने के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। ये सब कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह का यह वार्ड है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर इलाज बच्चों का होगा और जहाँ पर वो लोग होंगे जहाँ इलाज चलेगा वो बेड किस तरह का है वो भी आपको हम दिखाते हैं। ये शायद रिसेप्शन का एरिया है जहाँ पर आपको नर्सेज बैठेंगी या जहाँ पर इलाज हो सकेगा और जहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स ये जो प्रोसेस होता है वहाँ शुरू होगा। हम आपको एक वार्ड में लेकर आते हैं, ये पेडियाट्रिक ICU वार्ड है जहाँ बच्चों का इलाज संभव हो सकेगा। आप इन बेड को देखिए, ये बेड जो हैं बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेड बने हुए हैं। इनमें खाने पीने को ये डेस्क लगे होते हैं जिस तरह का वो है,
आप इन बिस्तर को देखिए, इनमें भी छोटा भीम कहीं बना हुआ है, कहीं छुटकी बनी हुई है, लिखा हुआ भी है। और इस तरह से ये सब तो आईसीयू की इक्विपमेंट्स हैं जो कि हर वार्ड में, हर आईसीयू वार्ड में आपको देखने को मिलता है। और इस पूरे अगर आप वार्ड को देखेंगे चारों तरफ आप देखिए, तो जो जिस पेंटिंग की मैं बात कर रहा था वो पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा। और साफ साफ दिखता है कि किस तरह से बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे वार्ड को बनाया गया है, दिखाया गया है। आपको हम कुछ और वार्ड की तरफ दिखाते हैं, दरअसल सभी वार्ड तो उसी तरह के होंगे। ये वो कॉरिडोर है जिसे पूरे के पूरे वार्ड को ही, पूरे पेडियाट्रिक सेक्शन को ही बिल्कुल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे जब यहाँ आएँ तो उन्हें अस्पताल की तरह का फीलिंग नहीं हो। देखिए यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, यहाँ खेलते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल ये गुब्बारे लगाए गए हैं, गुब्बारे हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन ये तस्वीरें, ये पेंटिंग जरूर हमेशा रहेंगी, जिसका उद्घाटन आज बन्ना गुप्ता ने किया है। 51 टोटल बेड हैं आईसीयू और एचडीयू को मिलाकर, और ये बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है क्योंकि थर्ड वेव को आशंकाएं जताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि यह बिल्कुल आने वाला, निश्चित रूप से आएगा। ऐसे में यह कदम बहुत सराहनीय है कि हमने वक्त रहते ही इस तरह की तैयारियां कर ली, क्योंकि सेकेंड वेव में जब जिसकी आशंकाएं नहीं थी, ऐसे में बहुत भारी मात्रा में कैजुअल्टीज देखने को मिली। लेकिन अब चूँकि कई रिसर्चर्स ने दावा किया है कि थर्ड वेव का आना निश्चित है, ऐसे में इस तरह के प्रयास जो प्री जो मेजर्स हम लेते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए, वो एक बेहतरीन प्रयास है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो आईसीयू के ही हैं, इनसे ज़रा बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार। सुमित कुमार जी, आप प्रबंधन की तरफ से ही हैं? क्या क्या पोस्ट में आप यहाँ? मैं आयुष्मान मित्र में हूँ, आयुष्मान आरोग्य मित्र। अच्छा, कब से तैयारियाँ की जा रही थी इस अवार्ड? लगभग 6 महीने से तैयारी की जा रही है। 6 महीने से तैयारी की जा रही थी। अच्छा, अब तो पूरी तरह से बिल्कुल तैयार हो चुका है जी। क्या खास वो बताएंगे? खास में तो ये कि समय से पहले तैयारी कर ली है, आने वाला सुविधा दिए जाए, इलाज फ्री हो, आराम हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लता दीनता। लता दीनता जी, आपके जूनियर डॉक्टर यहाँ पे हैं? नहीं, डॉक्टर नहीं है, हम लोग नर्सेस हैं। अच्छा, ये किस तरह का इस वार्ड में क्या खास है जो बाकी वार्ड से अलग है? ये पेडियाट्रिक, ये मेन है कोविड वार्ड के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो नहीं था, आप लोग देख रहे हैं कि उस साइड था सारे कोविड वार्ड के लिए, अडल्ट लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ खास है कि बच्चों के लिए भी अब खुल गया है। तो पहले बच्चों के लिए नहीं था, ये एक स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनाया गया है। बच्चों के लिए है और सारी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है, है ना जी। ये पेंटिंग्स देख रहे हैं कि बहुत अलग तरह के प्रयास किया गया कि बच्चों को जो अट्रैक्ट करने के लिए, वो बीमार रहते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, खेलने के लिए भी उनके लिए बनाया गया अलग से प्ले ग्राउंड। तो बच्चों का सारा खास ध्यान रखते हुए बनाया गया है, अरेंज किया गया है। आप लोग की तरफ से प्रयास रहेगा कि जब स्थितियाँ अगर बिगड़े तो आप लोग कोशिश करें कि उनको आप लोग हैंडल कर सके। हाँ, बेहतर से आपका आपका नाम क्या हुआ? पुष्पा कुमारी। पुष्पा जी, आप बताइए कि किस कितने वार्ड, कितने बेड्स हैं और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी? यहाँ पे 27 टोटल बेड्स हैं अभी पीडियाट्रिक आईसीयू में, और यहाँ पर बच्चों के लिए वेंटी वगैरह सारा कुछ है, हाई फ्लो मीटर्स सारा कुछ अरेंज किए गए हैं। और अभी आप लोग जो देख रहे हैं बच्चों के लिए, ये सब मनमोहक पेंटिंग्स बनाए गए हैं और प्ले ग्राउंड भी है उन लोगों के लिए। बाकी यहाँ पे बच्चों के लिए सारी सुविधाएँ उपलब्ध है। ठीक है, तो हमने आपको पेडियाट्रिक वार्ड का यह पूरा आईसीयू सेक्शन दिखाया, किस तरह से बच्चों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। टोटल 51 बेड हैं जिसमें से 27 आईसीयू के हैं, 24 जो हैं वो एचडीयू के हैं, और बच्चों को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जब थर्ड वेव आता है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रयास थर्ड वेव में होने वाली कैजुअल्टीज़ को प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें या कम कर सकें। और इस दिशा में सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से यह प्रयास किया गया है, देखिए सराहना करनी चाहिए। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार।